मैं वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस की तरफ से गुजारिश करता हूँ। तकरीबन 10 साल पहले मैं 2002 में बर्कबी हुडर्सफील्ड के एरिया में एक आग लगी थी, जिस आग में एक खानदान के 8 जाने ज़ाया हुई, उनमें से एक 6 माह का मासूम बच्चा भी था। 10 साल गुजर गए और हमें अभी भी तलाश है मुजरिम शाहिद मोहम्मद की। अब तक शाहिद मोहम्मद फरार है। हम आवाम से अपील करते हैं, आप हमारी इस मुजरिम की तलाश में मदद करें। हम आपको शाहिद मोहम्मद की तस्वीर दिखलाना चाहते हैं। क्या आज 10 साल के बाद वो कैसा होगा? हो सकता है वो हमारे दरमियान में रहता हो, यह भी हो सकता है कि वो हमारे साथ काम करता हो। इस तस्वीर से मिलती जुलती शक्ल वाले आदमी को आपने इंग्लैंड, पाकिस्तान या किसी और जगह पर देखा हो तो पुलिस से रब्ता करें। हो सकता है वो शाहिद मोहम्मद दूसरा कोई नाम इस्तेमाल करता हो। अगर आपके पास इसके बारे में कोई खबर है तो पुलिस से रब्ता करें। शाहिद मोहम्मद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से 10,000 पाउंड इनाम भी रखा है। पंजाबी, पटवारी और उर्दू जुबान बोलने वाले पुलिस ऑफिसर अवेलेबल हैं। आप हम जो टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा उससे हमको रब्ता करें। मैं यहाँ तमाम आने वालों को खुश आमदेद कहता हूँ। आपको यहाँ बुलाने का मकसद यह है, जिन लोगों ने हमारे घर को आग लगाई थी उनमें से एक शाहिद मोहम्मद बेल पर यहाँ से भाग गया था। अभी तक पुलिस उसकी तलाश में है। हमें मालूम नहीं कि वो यूके में है या पाकिस्तान में है या किसी और कंट्री में है, लेकिन यहाँ भी है, पुलिस उसकी तलाश में है। मैं और हमारी फैमिली तमाम लोगों से अपील करती है कि अगर किसी को भी उसके बारे में कोई भी मालूमात हो या पता हो कि वो कहाँ पर है तो प्लीज़ को उसकी खबर दे। आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। 11 साल होने वाले इस हादसे को, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। इसलिए आप लोगों से फिर अपील करते हैं, पूरे यूके में भी जो लोग हैं उनसे भी और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में जिस किसी को भी पता हो कि वो कहाँ पर है तो प्लीज़ उसको इतला पुलिस को ज़रूर दें। मेरी बीवी और मेरी 5 बच्चियाँ, मेरी मदर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ इस आग के में जलकर इस दुनिया से चले गए। और आज भी मैं सोचता हूँ कि आज मुझे फिर पता लगता है कि वो आज ये वाकया हुआ है, आज ये हादसा हुआ है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता, मैं अपनी बच्चियों को कभी नहीं भूल सकता। वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है और इतनी मासूम बच्ची, 6 माह की बच्ची, ओनली 6 मंथ ओल्ड, कांट बिलीव। और आखिर में मैं और मेरी फैमिली की तरफ से तमाम पुलिस ऑफिसर्स
फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, काउंसलर और जिन लोगों ने भी इस हादसे में हमारी मदद की, हमारी हेल्प की, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की, हेल्प की, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ासकर यॉर्कशायर पुलिस का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है इस केस के ऊपर एंड अभी भी कर रहे हैं। और अभी जो ये किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, जो भी किया है, जो ये कोशिश कर रहे हैं उसके लिए इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल।